जीवित नहीं होगा, लेकिन हूबहू एकदम वही इंसान खड़ा हो सकता है। हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, ये सब तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग का। आपको जान के बुद्धि चकरा जाएगी, चाइना के अंदर एक कंपनी ने एक दिन में 10 बिल्डिंग 3D एक्चुअली खड़ी कर दी। हो सकता है आपके लोगों को विश्वास ना हो रहा हो, ना हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। रिसेंटली दुबई के अंदर एक कॉर्पोरेट ऑफिस पूरा का पूरा बिल्डिंग, कई माले की मंजिलों की बिल्डिंग खड़ी कर दी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। 3D प्रिंटिंग बहुत पैसा बचाएगा, बहुत समय बचाएगा। एक कॉर्पोरेट ऑफिस खड़े करने में सालों लग सकते थे। ऑफकोर्स आज प्रिंटिंग मशीन थोड़ी महंगी है, लेकिन आज से 4 साल पहले या 3 साल या 2 साल पहले के मुकाबले रोज सस्ती हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2025 तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। आज अगर आप ईंट और मिट्टी के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चिंता मत करिए, कंपैटिबल मटेरियल के साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल 3D मशीन आ गई है, जिसमें पहले पूरे मॉडल को स्कैन कर लो और अंदर कंपैटिबल मटेरियल डाल दो, तो पूरे पूरे मोल्डर को निकाल के खड़े कर देगा तुरंत बनाते हुए। हाई स्पीड पे हो रहा है, 300 गुना ज्यादा तेज, 300 गुना बड़ा। ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं, 3D की पहली गाड़ी बन चुकी है ऑलरेडी। आज 90% मेडिकल डिवाइसेज कई हिस्सों के शरीर के अमेरिका के अंदर 3D प्रिंट किए जा रहे हैं। अब हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपको कोई जूता चाहिए बढ़िया सा, उसका 3D मॉडल स्कैन करके मशीन के अंदर डालो, फटाफट नया जूता बना पहना और निकल गए, घर पे ही काम हो जाएगा। जमाना बदल रहा है, दुनिया बहुत तेज बदल रही है, इसको बोलते हैं इनोवेशन। चार पांच बातें बड़ी कमाल की बताना चाहता हूँ। किसान थोड़े दिनों में किसान नहीं रहेगा, किसान थोड़े दिनों में मैनेजर बन जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल रोबोट आ जाएंगे, रोबोट फार्मिंग करेंगे, किसान मैनेजर की तरह देखेगा, काम कराएगा। जमाना बहुत तेज बदल रहा है। आपको क्या लग रहा है, ऑडी का कॉम्पिटिटर मर्सिडीज और BMW रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऑडी का कॉम्पिटिटर बनने वाला है गूगल, टेस्ला और एप्पल। गूगल, टेस्ला, एप्पल, गूगल तो गाड़ी नहीं बनाता, एप्पल भी गाड़ी नहीं बनाता, तो वो कैसे कॉम्पिटिटर हो जाएगा? अभी देखते जाइए, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही है,